ड्रैगन बॉल सीरीज में हमने देखा था कि अगर किसी मॉर्टल को अपनी ताकत बढ़ानी हो तो वो किसी के साथ फ्यूज होकर अपनी ताकत को बढ़ा सकता है और जिससे वो फ्यूज होगा उसकी भी ताकत को बढ़ा सकता है। और हमने बस पोटारा ईयरिंग्स और फ्यूजन डांस ही अभी तक फ्यूजन देखा है, लेकिन अभी तक और आगे भी मुझे लग रहा है कि हमें इतना भी नहीं पता चलेगा कि इन दोनों में से वेजिटो और गोजिटो को में से कौन ज़्यादा ताकतवर है या कौन ज़्यादा बेहतर है। तो दोस्तों, आज का वीडियो होने वाला है हु इज स्ट्रॉन्गर, वेजिटो और गोजिटो, कि इन दोनों में से कौन बेहतर है और कौन ताकतवर है। तो लेट्स बिगिन। पर दोस्तों, वीडियो चालू होने से पहले मैं कुछ आप सभी लोगों को बोलना चाहूँगा कि वीडियो पूरा अंत तक ज़रूर से देखना और मेरे चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब का बटन ज़रूर से दबा देना। अगर देखा जाए कि दोनों ही फ्यूज़न एक समान है, क्योंकि दोनों ही वेजिटा और गोकू के फ्यूज़न से ही बनते, बस तरीका अलग होता है। जैसे वेजिटो में गोकू का थोड़ा थोड़ा पर्सनैलिटी आता है और वैसे ही गोजिटा में वेजिटा का थोड़ा थोड़ा पर्सनैलिटी भी आता है। वेजिटो अगर चाहे तो सामने वाले विलन को या फिर किसी बंदे को अच्छी तरह से धो सकता है, लेकिन वो फाइट में मज़े लेता है। और ऊपर से वेजिटो का फ्यूज़न एक घंटे का होता है और वेजिटो ने अभी तक एक भी विलन को नहीं हराया है, चाहे हो बू हो या फिर जमासू हो। गोजिटा दूसरी तरफ अपने दुश्मन को मार देने की सोच रखता है और वो जल्द से जल्द काम ख़त्म करने के मूड में रहता है, क्योंकि उसमें वेजिटा का स्वभाव ज़्यादा है और उसका फ्यूज़न बस 30 मिनट्स का रहता है। और गोजिटा ने ब्रोली को मारने की कोशिश की थी, लेकिन चिल ने ब्रोली को बचा, तो हम मान सकते हैं कि गोजिटा ने ब्रोली को हरा दिया था। और इस समय आप सभी लोगों को लग रहा होगा कि गोजिटा में ज़्यादा दम है, तो पहले आगे और सुनिए। वेजिटो को हमने देखा है कि जब बू ने उसको एब्जॉर्ब कर लिया था, तब वेजिटा और गोकू को बू के अंदर कुछ नहीं हुआ था, क्योंकि पोटारा ईयरिंग्स उसने पहनी थी और पोटारा ईयरिंग्स को बहुत शुद्ध माना जाता है। और शायद इसी वजह से गोकू और वेजिटा को बू के अंदर कुछ नहीं हुआ। और सबसे बड़ी एडवांटेज वेजिटो पे है कि वो फाइट बस एक घंटे तक ही फाइट कर सकता है और वो सिर्फ एक बार ईयरिंग पहन के फ्यूज हो सकता है, लेकिन गोजिटा में फ्यूज करने वाले को अपनी पावर बराबर करनी पड़ती है और फ्यूज़न एक अजीब डांस करने के बाद होता है। ऊपर से अगर फ्यूज़न डांस के ऊपर थोड़ा सा भी गलती हो गई तो फ्यूज़न नहीं होता, जैसे ही हाथों का मैच नहीं होना, नहीं तो आपकी मैं मोटा दिख सकते हो, नहीं तो आप थोड़ा सा माता रह सकते हो। एक बड़ा डिसएडवांटेज वेजिटो पे भी है और वो है कि वेजिटो को अगर एक बड़ा शॉट लगता है जिससे उसकी ईयरिंग सिले, तो वह उसी समय अनफ्यूज हो जाएगा, लेकिन गोजिटा के साथ ऐसा कुछ नहीं है और वो 30 मिनट से पहले अनफ्यूज नहीं हो सकता है। अब आते हैं अपने कंक्लूजन पर कि कौन ज़्यादा ताकतवर है। वी जंप में टोरियामा ने बताया था कि वेजिटो और गोजिटो की पावर सेम है, लेकिन हो सकता है कि वो उसने सिर्फ वेजिटो और गोजिटो फैंस के बीच होने वाली कंट्रोवर्सी को रोकने के लिए बोला हो, लेकिन मैं अपने हिसाब से बताऊँ, वैसे मैं गोजिटा फ़ैन हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि वेजिटो ज़्यादा पावरफुल होगा क्योंकि उस पर बहुत सारे एडवांटेजेस है और साथ ही साथ एक उसके ऊपर एक घंटे का टाइम भी है। लेकिन गोजिटा को कम मत समझना, भले उसमें डिसएडवांटेजेस है, लेकिन वो एक बार गोजिटा बना तो वो एक चांस धीमी नहीं छोड़ेगा सामने वाले को जिंदा छोड़ने का। तो कैसे आपको क्या लगता है, वेजिटो और गोजिटो में कौन ज़्यादा बेहतर है और कौन ज़्यादा ताकतवर है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर भर के बताना। और आज की वीडियो हमें ख़त्म हो जाती है, तो अगर आपको इस वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और चैनल पर सब्सक्राइब कर देना अगर आप सच्चे ड्रैगन बॉल फैन हो गए।
और इस चैनल को जल्दी से जल्दी शेयर कर देना, और हमें मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में। तो टाटा बाय बाय, गुड नाइट, सेवनारा।